everybody, and welcome to Yeh Aashiqui Siyappa Ishq Ka, co-powered by Lava Smart. You know, आपने, मैंने, हम सब ने बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी लव स्टोरी सुनी, किस्सों कहानियों में, like Romeo Juliet, हीर रांझा, लैला मजनू, you know, so many of them, right? So बचपन से लेकर आज तक हमारे आसपास प्यार जरूर रहा है, और जहां पर प्यार की बात आती है वहां पर दो किस्म के लोग होते हैं। टाइप नंबर वन, जो प्यार में बहुत विश्वास रखते हैं, जो डेस्टिनी में बहुत विश्वास रखते हैं, जिन्हें लगता है कि आई विल वेट और एक ना एक दिन मुझे मेरा परफेक्ट पार्टनर मिस्टर राइट या मिस राइट डेफिनेटली मिल जाएगी। टाइप नंबर टू, जो प्यार तो क्या, डेस्टिनी तो क्या, किसी भी चीज में विश्वास नहीं रखते, उन्हें लगता है कि प्यार होना होगा तो हो जाएगा, वी डोंट रियली केयर, इट हैज टू हैपन, इट विल हैपन, यू नो दोस काइंड्स। लेकिन हमारी आज की जो कहानी है ना, वो टाइप थ्री जैसे लोगों की। मलिका एक ऐसी लड़की जिसे अपना प्यार तो चाहिए, अपना मिस्टर राइट जरूर चाहिए, लेकिन अपना मिस्टर राइट ढूंढने का जो उसका तरीका है बहुत ही अजीब है। यू नो व्हेन आई से अजीब, बिलीव मी यू गाइस हैव टू सी इट टू बिलीव, जस्ट सी इट यू विल बिलीव। Sun sign, Cancerian, obviously a big no. Minus one. Facial hair या फिर clean shave? Thank God clean shave हाँ. Plus one for me. Plus five. Okay. हाँ, bike या car? Classy men drive cars and immature idiots like him drive bike. अरे, ये देखो. मैंने अपने दोस्तों के साथ मनाली से लद्दाख गया था बाइक राइड पे, तुम नहीं थी ना साथ में, नेक्स्ट टाइम चलोगी ना? सो माइनस वन। वाज़ अ गुड लिसनर पिप्स, पहले वो मुझे तो बात करने का मौका दे। मतलब वो खुद ही बोले जा रहा था माइनस वन। आर यू गाइस सीरियस? ऐसे लिस्ट बना के और स्कोर्स बना के कोई बॉयफ्रेंड मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आई एग्री। पता है मलिका ने ना मेरे लिए सेम लिस्ट बनाई, इसमें सारे लाइक्स और डिसलाइक थे, एंड सी आई एम सो हैप्पी नाउ। यू आर हैप्पी रियली? बट यू आर स्टिल सिंगल। हां, बट एटलीस्ट आई नो ना मुझे मेरे बॉयफ्रेंड में क्या-क्या क्वालिटीज चाहिए। हां, वाज ही हैंडसम? दैट्स व्हाट। या ओके, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग था, लाइक उसका नाम या कुछ भी? स्मीथ। हाँ, विदाउट अ यू। यू माइनस वन। ओके, वॉन भी था क्या? प्लस वन होते होते रह गया, जैसी स्लीव्स ऊपर की ना, एक गंदा सा घटिया सा टैटू, और वो भी फेक वाला। ओके लास्ट वन। अल्कोहल पे कंट्रोल कर सकता है? टिप्स, पहले वो अपनी खुद की लाइफ पे तो कंट्रोल कर ले। मतलब तली टाइप सी लग रहा था। माइनस वन अगेन। वेट, लेट मी काउंट। हाँ, टू थ्री, माइनस फाइव। माइनस फाइव, सी आई टोल्ड यू, पहले वाले से भी बुरा है यार। टोल्ड यू। यू नो व्हाट, रिलेशनशिप ना लव एंड अट्रैक्शन की वजह से होनी चाहिए, लाइक्स एंड डिसलाइक्स की वजह से नहीं। ओ प्लीज, ये लव शव की बातें बंद ही करो प्लीज, लाइफ में है ना थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। यू नो मलिका, जब तुझे सही लड़का मिलेगा और यही लिस्ट तुझे राइट चॉइस करने से रोकेगी ना, देन यू विल अंडरस्टैंड। रियली, जो लड़का मेरी लाइक्स की लिस्ट को मैच करेगा ना, चांस सिर्फ उसी को मिलेगा, दैट्स इट। लोग स्टार्टिंग में कुछ और होते हैं, उसके बाद चेंज हो जाते हैं, यू हैव टू एटलीस्ट गिव देम अ चांस। लिसन, मुझे है ना अपने अराउंड इतनी नेगेटिविटी पसंद नहीं है। स्नेहा, आई थिंक वी शुड जस्ट मूव, लेट्स गो। देखो कितनी ओपिनियनेटेड थी वो, व्हाट इज द वे टू टॉक। आई नो, कितनी रूड बिहेव कर रही थी। आई नो, पता नहीं क्या लिस्ट बनाओ, ये मत बनाओ, वो मत बनाओ, टोरियन थी ना। ग्लैड दैट वी लेफ्ट। आर यू ब्लाइंड, दिखाई नहीं देता तुम्हें?
टूटा तो नहीं? सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली लेक्चर से पहले डीन से मिलना था तो बहुत जल्दी से मैं जान पूछ के नहीं किया, आई एम सॉरी। आपका फोन तो ठीक है? व्हाटएवर। सॉरी वंस अगेन। कैप्रिकॉर्न ही होगा फॉर श्योर। हमें इन 5 पॉइंट्स पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पिच करते वक्त आप कंपैरिजन तो कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के वीक पॉइंट्स आप नहीं बता सकते। सिंपल सी बात है कि जब तक आप उस प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे उसे बेच सकते हैं? आप क्लाइंट को प्रॉब्लम मत बताइए, बल्कि उस प्रॉब्लम का सलूशन बताइए। पिच के बेसिस क्लियर है? Yes, sir. तो उसी बेसिस पर मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों को मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सबके एक एक पैर बना के। Give me 5 minutes, मैं उनके नाम अनाउंस करता हूं। The names are Ayush and Meena, Alam and Bindal, Piyush and Rekha, and Malika. Yes, sir. आपने बहुत ही यूनिक काम किया, तो राहुल मैं आपका पैर मलिका के साथ करूंगा। जब इस प्रोजेक्ट में इतना टाइम एक साथ बिता रहे हो तो मलिका अपने नोट्स भी शेयर कर लेना, और इस असाइनमेंट को बहुत ही सीरियसली लेना, इसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स तय होंगे। इज दैट ओके विद यू? हाय। सनसाइन क्या है तुम्हारा? बर्थडे क्या है तुम्हारी? 27 दिसंबर। कैप्रिकॉर्न। ओ गॉड, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? बाय द वे राहुल, या मुझे कैप्रिकॉर्न ही बुलाओगी? एंड एडवांस में थैंक्स अपने नोट मेरे साथ शेयर करने के लिए। देखो, मुझे ना तुम्हारे साथ कुछ शौक नहीं इस प्रोजेक्ट में रहने का। मुझसे पूछा नहीं गया, बताया गया, वरना मैं और कैप्रिकॉर्न के साथ। ऐसा क्या बिगाड़ दिया किसी कैप्रिकॉर्न ने तुम्हारा, बताओगी? अरे प्रॉब्लम ये है कि कैप्रिकॉर्न और लिब्रा, दे डोंट गेट अलोंग। देखो, मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली तुम्हारे साथ काम करना। किसी और पार्टनर को ढूंढ लो, मैं नहीं कर सकती। बंदी है यार। क्या यार, आई मिस यू सो मच। तूने क्यों अलग फील्ड चूज कर ली? साइकोलॉजी में चली गई एडवर्टाइजमेंट छोड़ के। स्टूपिड के साथ प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है मुझे। कम ऑन यार, कम से कम इतना क्यूट तो है। तुझे क्या लगता है, उसे कोई चांस है? आर यू मैड? एक तो वो कैप्रिकॉर्न है, ऊपर से बियर्ड वाला, दो माइनस ऐसे ही हो गए। हैंडसम होने के कस भी तो है। हैंडसम? यस। कौन से एंगल से? मैं उसके साथ काम कर रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। अरे यार, तो मैं कौन था तुझे उसके साथ सेट होने को बोल रही हूँ? आई एम जस्ट सेइंग, एक बार ट्राई करके तो देखते हैं ना। उसका नाम लिस्ट में डाल, लेट्स सी कितना बुरा स्कोर करता है। God. वैसे कल कॉलेज के बाद उसके साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। हाँ? या। ओ, ग्रेट, ठीक है। तू ना उसके बारे में सब कुछ पता करके आना, तब देखते हैं, मजा आएगा। ये वाला ना लेकिन सबसे वर्स्ट होने वाला है। हाँ? ट्रस्ट मी। इडली सांभर से भी? यू डोंट रिमाइंड मी ऑफ दैट। जी हाय। किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि लड़कियों को इस तरह से वेट कराना बहुत बुरी आदत होती है? ओह हाँ, सॉरी, वो लाइब्रेरी में था, थोड़ा टाइम लग गया, इट्स ओके। व्हाटएवर। पिच के बेस वर्क के लिए ना पहले हमें मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, और उसके बाद ही प्रोडक्ट फाइनल करेंगे। प्लीज हम कैंटीन में जाके बात करें। हाँ चलो। अब तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। लड़कियों के लिए चेयर खींची जाती है, कभी सुना है इसके बारे में? आर यू सीरियस? तुम्हारे हाथ नहीं है, इक्वालिटी की बड़ी बातें करते हो तुम फेमिनिस्ट, और अभी मैनर्स सिखाने आ गए। भाई मेरे लिए अगर कोई चेयर खींचे ना, मैं तो पागल ही हो जाऊं। व्हाटएवर। ये तुम्हारे लिए मैंने नोट्स बनवाए हैं, फोटोकॉपी करवाया है, इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन की है, और जो चीज तुम्हें समझ नहीं आए वो तुम मुझसे पूछ सकते हो। बिल्कुल।
अब क्या गलती कर दी मैंने, प्लीज बता दीजिए आप। नहीं, तुम्हें खुद से टाइम मिल जाए हम फिर बात करते हैं। अरे यार, तुम्हें तो मेरी हर चीज से प्रॉब्लम है, मुझे मार्केटिंग में हेल्प कर रही हो या फिर एटिकेट क्लास देने में। मल्लिका तुम कितना ओवर रिएक्ट करती हो, मेरे नाम राहुल के अलावा कुछ जानती हो मेरे बारे में? लेकिन नहीं, अपने माइंड में जजमेंट कर लिया कि मैं कैसा हूँ। सीरियसली देखो, जानने के लिए ना वक्त की जरूरत नहीं होती, छोटी छोटी चीजों से पता चल जाता है। एंड यू नो व्हाट, जस्ट फॉरगेट इट, मैं तुम्हें कुछ समझाना ही नहीं। रियली? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि सारे कैप्रियोमास एक ही टाइप के होते हैं जो तुम्हारे टाइप के नहीं होते? इज दैट योर एक्सप्लेनेशन? नो, दैट्स माय बिलीफ। बिलीफ और ब्लाइंड बिलीफ में बहुत फर्क होता है। तुम्हें जो मानना है मानो, मुझे तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि मुझे तो एक चीज ये समझ नहीं आती कि मैं तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट पे हुई क्यों। Better not to argue with you. I will leave. I'm leaving. Thank you so much. This guy na, I'm so not gonna leave him. समझता क्या अपने आप को? बड़ा आया मुझे। Ouch. ड्रॉप कर दूं? नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और वैसे भी मैं बाइक्स पे नहीं बैठती। यही प्रॉब्लम है तुम लड़कियों की, पहले तो नाराज हो जाती हो कि लड़के कुछ करते नहीं है, और जब कोई लड़का हेल्प ऑफर करे तो साफ साफ मना कर दो। आई एम श्योर बाइक से डर लगता है ना? ओह हेलो, कोई बाइक वाइक से डरती नहीं हूँ मैं, एंड तुम्हारी हेल्प तुम तुम्हारे पास ही रखो, आई विल मैनेज माय सेल्फ। राहुल, थैंक यू। तुम ठीक हो? या, मैं ठीक हूँ। श्योर? या। What are you doing, राहुल? Get me down! आर्गुमेंट का टाइम बचा रहा हूँ। पहले मैं बोलूंगा हेल्प कर दूं, तुम मना करोगी, फिर गिरोगी, फिर लगेगी। राहुल, इससे अच्छा बताओ कौन सा फ्लोर? राहुल, ये सब सुपर वर्कआउट हो गया आज, जिम जाने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। पता है, थैंक यू है ना, एक बहुत स्पेशल वर्ड होता है, जब फील करो ना तभी बोलना चाहिए। नहीं, आई एम सीरियस, मैं सच में थैंक यू बोल रही हूँ। कूल, अब अंदर चलोगे? नहीं, फिर कभी। ओके।
अच्छा लिसन, क्या दुनिया के इतने मिलियन लोग सिर्फ 12 टाइप के नहीं होते? आई मीन मुझे जान जाओगी तो समझ जाओगी कि मैं किस टाइप का हूं। Open all. Oh, please यार, एक तो वो कैप्रिकॉन है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, बाइक चलाता है, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, एंड हैंडसम भी नहीं, पर मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। ओह, क्या हुआ? Are you fine? You are lucky तेरा एंकल स्प्रेन हो गया, इतना बोरिंग डे था कॉलेज का, एक के बाद एक लेक्चर, प्रोफेसर ने तो पका पका के पागल कर दिया था। ऋषभ, तू मुझे ये बता कि कार्तिक का स्कोर क्या आया? तूने कैलकुलेट किया था ना? -3 यार। -3? पर कुछ कुछ बातें बहुत क्यूट थी उसकी। प्लीज नेहा यार, ये रिलेशनशिप्स और इन सब में है ना, तू दिमाग से सोचेगी तो ही सब सॉर्टेड रहेगा, और एक बार हार्ट से सोचना शुरू किया ना तो वही पंगा हो जाएगा, फिर वही ब्रेकअप, ब्रेकअप के बाद हार्ट ब्रेक, फिर रोना धोना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। उससे अच्छा लिस्ट को फॉलो कर तो परफेक्ट लड़का मिलेगा। समझ रही है? वैसे बाय द वे, राहुल तेरे बारे में पूछ रहा था और मैंने उसको बोल दिया कि खुद जाके मिल ले। आर यू मैड? तूने उसे सीधा ये कह दिया कि घर पे आके देख ले, तू पागल है क्या? अरे सुन तो सही, जब वो तुझे पसंद ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है वो आए ना आए। ओ हेलो, मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे पता उसका स्कोर क्या आया है? ये देख, -3, कैन यू बीट इट? स्कोर कार्ड भी बना लिया उसका। आई मीन ओके, मतलब मैं देखती हूँ। हेलो, हाय। अच्छा मलिका, मुझे कुछ फोटोकॉपीज निकालने जाना है तो तुम लोग बैठो। ओके बाय। मैं आती हूँ। हाँ बाय। डोंट टेल मी कि तुम मेरे लिए फ्लावर्स लेके आए हो। व्हाट? पैर में बस मोच चाहिए तुम्हें? कोई ओपन आर्ट सर्जरी नहीं हुई जो तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आऊंगा? ओके। कैसी हो तुम? बेटर, दर्द थोड़ा सा कम है। गुड। नोट्स लाया हूं तुम्हारे लिए। डोंट टेल मी तुमने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया मेरे लिए। ऑफ कोर्स, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट आइडियाज, व्हाट अ टैगलाइन यार। व्हाटएवर। नो, ओके ओके, लिसन, रही बात प्रोजेक्ट की तो मेरे पास में दो ऑप्शंस हैं। अगर तुम चाहो तो मैं रोज कॉलेज से बाइक पर यहाँ पर आ सकता हूँ, हम यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, आई मीन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें मेरे यहाँ पर आने से प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, मैं कॉलेज में नए पार्टनर की रिक्वेस्ट कर दूंगा। नहीं, आई मीन इसकी जरूरत नहीं है, इट्स रियली नॉट एन इश्यू। मतलब हमें साथ में काम दिया गया है तो हम फिनिश कर सकते हैं, वी कैन डू इट। करेक्ट, यहां पे इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। श्योर देन? या श्योर।
तो गाइस, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। आप सबने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया था उसको जज करने के लिए कंपनी के क्रिएटिव्स आ रहे हैं, जो सिर्फ जज ही नहीं करेंगे बल्कि आप लोगों की प्लेसमेंट भी करेंगे। सो गिव योर बेस्ट शॉट, गुड लक। थैंक यू सर। अच्छा सुनो, तुम्हारा आज रात का क्या सीन है? What do you mean by आज रात का क्या सीन है? घर पे हूँ मैं। घर पर हो? Perfect। हम सब आज पार्टी के लिए जा रहे हैं, तुमको भी आना है, okay? लगता है तुम्हें कोई और मिली नहीं, हाँ? नहीं, ऐसा तो नहीं, मिली तो थी लेकिन तुम्हारी तरह लिबरम नहीं थी ना, तो सोचा उसके साथ नहीं तुम्हारे साथ जाता हूँ। राहुल मेरा सच में मन है, यू प्लीज कैरी ऑन। ओह हेलो, तुमको चलना पड़ेगा, ओके? नहीं राहुल, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाने वाला, तुम आओगी, ओके? राहुल मुझे सच में नहीं आना। आई डोंट केयर, तुमको मिलना है। ओके, मैं देखती हूं। देखती नहीं हूं, हां बोलो अभी के अभी। 8 o'clock। क्यों बोलूं मैं? 8 o'clock यू आर कमिंग, ओके? सी यू देयर। यस राहुल, एक बार। नो, एक बार। ओके, आई विल बी देयर विद स्नेहा। कूल, सी यू देयर ऑन टाइम, ओके? बाय। ओके बाय। आपने मेरा डांस देखा अंदर? कमाल है। खत्म कर दे, सारी खत्म कर दे तू आज। हेलो, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम घर नहीं जा रहे, चलो मैं तुमको घर ड्रॉप कर देता हूँ। राहुल, you're drunk, we'll manage. No, I am not drunk. राहुल, तुम पहले खुद को संभालो, हम सच में घर अपने आप चले जाएंगे। ओके, एक काम करता हूँ, वो जो भैया है वो ड्रॉप कर देंगे हमको। It was good fun. Thanks to you too. वैसे तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम थोड़ी कम पीते तो भी इतना ही enjoy कर? कम पीने का क्या मतलब है? पियो तो खुल के पियो। कम पीने का मतलब है waste of शराब। राहुल, तुम्हें नहीं लगता कि पीने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही फनी हो जाते हो? ज़्यादा चढ़ गई है, तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तुम घर सेफली पहुंच जाओगे ना? हाँ। श्योर? हाँ भाई, और अगर नहीं भी पहुंचूंगा तो ये भाई साहब है ना, इनके घर पहुंच जाऊंगा। क्यों भैया? लेट हो गया है ना, तुम आज रात हमारे घर पे क्यों नहीं रुक जाते? Actually you are right स्नेहा, मतलब एक बार हमारे घर पे रहेगा तो कम से कम वो टेंशन तो नहीं रहेगी कि अपने घर सेफली पहुंचा कि नहीं। You can stay here tonight।
I'm sorry भैया, आज मैं आपके साथ नहीं आ सकता। Bye. ये ना ब्लैंकेट है और ये पिलोज भी रख रही हूँ, ठीक है? मैं पानी लेके आती हूँ। अरे सुनो, पानी नहीं पीना, दो मिनट बात नहीं कर सकती मुझसे? राहुल, दो मिनट? थैंक्स, आई मीन मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और ये क्या है, कुछ भी कहती रहती ना तुम मुझे, कुछ भी, पढ़ पढ़, चपड़ चपड़ चपड़। पर तुम अच्छी लड़की हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो, जो भी मानती हो ना तुम अपने दिल से मानती हो, चाहे वो स्टूपिड सा तुम्हारा वो हॉरोस्कोपी क्यों ना हो। बट सीरियसली तुमसे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच्ची। और तुम्हें पता है जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी आंखें छोटी सी हो जाती हैं। हंसो हंसो ऐसे। तुम्हें पता है? सच बोलूं मालिका, मुझे लगता है तू ये लिस्ट विस्ट छोड़ और वो कर जो तुझे सही लगता है। यार लाइफ में है ना प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है स्नेहा। यार कभी कभी ब्लाइंड में भी जीतने का चांस होता है। रियली? तुम्हें विशाल याद है? क्या कुछ नहीं किया था यार मैंने उसके लिए, कॉलेज ट्रांसफर किया सिर्फ उसके लिए। हर सैटरडे मॉम डैड से लड़ के मैं उससे मिलने जाती थी, एंड में मुझे क्या मिला? विशाल डंप मी, एंड फॉर द नेक्स्ट 3 months आई वाज जस्ट क्राइंग एंड इट रियली हर्ट्स। वो पेन अब दोबारा मुझसे नहीं होगा। या आई नो, बट लुक एट राहुल, वो भले टिपिकल लड़कों की तरह वे मैनेज ना हो पर मुझे तो वो जेन्युइन लगता है यार। And I think he likes you. स्नेहा, जो सारी क्वालिटीज मुझे एक लड़के में पसंद नहीं है वो सारी क्वालिटीज राहुल में है।
एंड कम ऑन, मेरी लिस्ट में वो कहीं फिट बैठता ही नहीं है यार, वो हर कहीं माइनस है। मतलब कोई तो एक क्वालिटी हो जो मुझे अच्छी लगे। उसे ना बात करने का ढंग है, ना रहने का ढंग है। संडे को नहाता नहीं है वो, खाना खाता तो मुझसे चबाने की आवाज आती है, एंड नेल्स काटने से डरता है। आई मीन कम ऑन, व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट हिम? आई मीन हमने लिस्ट बनाई थी, स्कोर क्या हुआ था? -3। डू यू इवन थिंक कि मैं किसी -3 को डेट करूंगी? नॉट एट ऑल यार, आई डिजर्व समवन रियली बेटर देन हिम। नो, मुझे उसके चक्कर में नहीं पड़ना। देख कौन आया है। हाय। तुम यहाँ क्यों आई हो? हंसने आई हो? मलिका, स्नेहा ने मुझे सब कुछ बता दिया। यू नो, प्यार दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं। तेरा जो मन करता है, जैसा मन करता है, तू बिल्कुल वैसा ही कर। दिमाग को डिसाइड मत करने दे। यू लव हिम ना? नहीं कर सकती मैं, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ही इज -3। ओ तो जब डिसाइड कर लिया तो फिर रो क्यों रही है? क्योंकि इस सब के बावजूद भी शी स्टिल लव्स हिम, राइट? सुन, या तो ये लिस्ट रख या फिर राहुल, जो भी है डिसाइड कर। एंड आई एम विद यू। वी बोथ आर विद यू मलिका। Hello everyone. Hello sir. Hello sir. So are you guys ready for the big day? Meet our guests. Ye hai Mr. Tiwari, Mrs. Gupta and Mr. Sharma. Ye top company ke creatives hain jo aap logon ko mark karenge. So good luck. Shuru karein. Hello everyone. Good morning. This is Rahul. Aaj main aapko bataunga market ki kuch strategies ke bare mein. So and Malika, we have worked on this project together. So yeah, please continue. Thank you. तो मार्केट में दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक वो जिनकी हमें जरूरत होती है और दूसरे वो
जिनकी हमें लालच डिजायर। So that was our presentation. I hope कि आपको हमारा पिच वर्क पसंद आया हो. Thank you. Yeah, very impressive. So तुम्हारा कैंपेन किसको टारगेट करता है? I mean, कोई तुमने प्रायोरिटीज लिस्ट बनाई है? Well, sir, thank you so much ये सवाल करने के लिए. Sir, आपका भी मानना है कि लिस्ट होना कितना important है. एक कंक्लूजन लेने के लिए, एक डिसीजन लेने के लिए लिस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सर, मेरा मानना यह है कि लाइफ के हर डिसीजन आप लिस्ट पर नहीं उतार सकते. सर, इंस्टिंक्ट नाम की भी कोई चीज होती है, आप उस पर भी बिलीव कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग. तो तुम्हारा मानना है कि एडवर्टाइजिंग में रिस्क लेना बनता है? ऑब्वियसली जरूरी है सर. सर, एडवर्टाइजिंग में क्या, लाइफ में भी रिस्क लेना बहुत जरूरी है. सर, ऐसे तो माइंड में पॉइंट्स फिल कर लिए, डिसाइड कर लिए, जज कर लिए और निकल गए. सामने वाले को तो एक चांस तक नहीं दिया. चांस दिया था मैंने विशाल को, बट आई फेल. हर किसी किसी के अपने अपने रीजंस होते हैं लाइफ में कुछ करने के लिए, बट मुझे डर लगता है. हां, तो बोलो ना साफ-साफ कि तुम्हें डर लगता है. उस एक इडियट की वजह से सारे कैप्रिकॉर्न, सारे दाढ़ी वाले, सारे बाइक वाले मुझे जज करने का क्या मतलब है? अरे तो गलती हो गई, बोला ना सॉरी. कब कब बोला गलती हो गई? अभी बोल रही हूं, आई एम सॉरी. क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? आई एम सॉरी. क्या मजा कही है? गेट आउट सर. वो मैं आई सेड गेट आउट. प्रेजेंटेशन थी. आई सेड गेट आउट सर. वो प्रेजेंटेशन थी. आई सेड लीव. राहुल, सच में आई एम सॉरी यार. इट्स ओके. आई मीन सच में इट्स ओके. और एक चीज बोलनी थी. I love you. I love you. Too. Well, finally, time रहते मलिका को realize हो गया और उसने ये गलती नहीं की कि उसके हाथ से उसका मिस्टर राइट चला जाए. Well, she found a way. But you know guys, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो मलिका का लिस्ट वाला आइडिया ना, the checklist, it's a nice idea. Don't get me wrong. मैं ये कहना चाहता हूँ कि you know, अगर आपके relationship में या आपके प्यार में थोड़ी सी practicality हो तो कोई बुरी बात नहीं. But हाँ, मेरे हिसाब से प्रैक्टिकलिटी में इतने मत खो जाना कि आप लोग इमोशन को भूल जाओ. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लव इज एन इमोशन. सो लिस्ट और नो लिस्ट, जस्ट गो एंड फॉल इन लव. बिकॉज बिलीव मी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स यू विल कम अक्रॉस इन लाइफ. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी. तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय.